नमस्कार, मैं भाषा और इस समय न्यूज क्लिक में ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे चल रही महिला किसान संसद। इस संसद में ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। 26 तारीख है, 26 नवंबर को देश भर के किसानों ने डेरा डारा दिल्ली के चारों तरफ। आज 26 जुलाई को यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में महिला किसान आए हैं। यहाँ पर जो उन्होंने संसद लगाई है, इसमें मांग उनकी बहुत सीधी और साफ है कि सिर्फ 3 काले कानून ही वापस ना लिए जाएं, बल्कि महिलाओं किसानों के हक में अलग ढंग का कानून बनाया जाए, उन्हें अधिकार मिले। महिलाओं का जत्था जब सुबह सिंघू बॉर्डर से चला तब उनका हौसला देखते ही बन रहा था। नारों और गीतों के साथ साथ वह सीधे देश की राजनीति से सवाल पूछ रही थी। वह पूछ रही थी कि जिस समय देश में संसद चल रही है, तब आखिर 8 महीनों से जो उनका आंदोलन चल रहा है उसके बारे में देश की सरकार क्यों नहीं सुन रही है। वे पूछ रही थी कि अगर तुम्हें सरकार नहीं चलानी आ रही, जनता के दुख दर्द नहीं देखने आ रहे, तो हमें दे दो। हम खेत को भी चलाते हैं, घर को भी चलाते हैं, हम देश को भी तुमसे बेहतर चला सकेंगे। मोदी सरकार से कानून लाई, कॉर्पोरेट की करी मन जारी, कॉर्पोरेट की करी मन जारी, कानून कर बर्बाद बर्बाद, हम सारे चाला संसद में। आज महिला संसद हो रही है, देश में अभी इतनी महिला सांसद नहीं हुई जितनी यहाँ बैठी हुई हैं। क्या लगता है कि क्या मैसेज है यहाँ का? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये महिला संसद हो रही है, और मैं तो किसान मोर्चे को बधाई दूंगी कि उन्होंने इसके लिए भी समय निर्धारित किया, क्योंकि महिलाओं को अपनी बात कहने, अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता है। उस संसद में तो 8% 10% ही महिलाएँ हैं। जो महिला आरक्षण बिल है उसको वो पास ही नहीं कर रहे हैं, विधानसभा में ही नहीं है, और यहाँ 200 औरतें तैयारी करके आई हैं कि उनको काले कानूनों पर बोलना है, बहुत रेलेवेंट बातें बोलनी है, और जो महंगाई से पीड़ित हैं उसका भी उन्होंने सीधे सीधे संबंध किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये एक जो उदाहरण है इस बात का है कि आज महिलाओं को कई मामलों में मान्यता नहीं मिलती है। महिला किसान यहाँ बैठे हैं, हाँ जी, लेकिन सरकार तो महिलाओं को किसान नहीं मानती। नहीं नहीं जी, किसान मेले ही आ असी हूँ, पिछे साढ़े कदों के किसान इतने बैठे तो पिछे असी सारा जो भी असी अपनी फसल कटाई की आ, बिजाई की सारी महिला ने की आ, तो हूँ सानू अपने साढ़े किसान भाइयों ने सानू मौका दिता, संसद अज का दिन जरा महिला दिता आ। हरियाणा में खट्टर जी तो सुन नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे जाए तो उरा आ रहे हाँ, पूरा इसीलिए आ रहे हमें, सुनो हमारे बच्चे हमारे घर बैठे हैं, मामना दिक्कत बहुत आ रही है, हैं ये मामे इतनी दूर आए मारा के काम को नहीं कर मैं, हैं क्या जो मोदी ने बिठा रखे मामा सड़क पे, क्योंकि जो हमारे काले कानून, क्योंकि उन्हें की वजह से हम सड़क पे बैठे हैं, और जो वो संसद चला रहे आज हमारी महिला संसद यहाँ पर चला रही है। बताइए, महिला किसान देश भी नहीं मानता, किसान खुद भी अभी तक नहीं मानते रहे कि महिला किसान होती है, किसान का मतलब अभी तक मर्द रहा है। ये हमारी पितर सत्ता की और पुरानी सोच की निशानी है जिसके लिए इसको कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन 2017 का सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भी अब मानता है कि किस जो औरतें हैं वो भी किसान है, सीधी सीधी 29% किसान हैं, और इनडायरेक्ट वे से जैसे वो जो पशु पालना है, रोटी लेकर जाना है, और खेत का और जो सपोर्टिंग काम है सारा, वो उसको भी जब शामिल किया गया जैसे कपाया वगैरह का उसकी चुनाई करना, सो इस सारे को जब मान लिया गया है तो 80% हमारी औरतें किसानी में है सीधे सीधे, और जब वो घर में रोटी बनाती है, मजदूरों की लेकर जाती है, वो भी तो किसानी को सपोर्ट करती है। तो ये बात ये है कि अभी औरतें जागरूक हुई है और वो समझ रही है कि हमारा योगदान है। यहाँ आके कैसा लग रहा है? आप सुबह से यहाँ बैठी हुई हैं, महिला संसद चल रही है, कभी आपने सोचा था जंतर मंतर पैसे दिल्ली में बैठा था किसी जंतर मंतर? हाँ, हमने ये दिखा दी सारी चीज, मोदी ने दिखा दी सारी चीज, मरता है देख है, हमने कोई पता नहीं था क्या है का भी क्यों, ये सारी चीज देख ली, कौन लिया था हम नौरा को नहीं,
कोई नहीं लिया था नौकर दिखा दी थी तो नहीं कौन दिखा था करके हाँ जमा हाँ दुखी करके चोट मारे सारे घर बैठे हाँ एक पूरा बैठा धरना पूरा कभी आपने सोचा था कि महिला संसद जंतर मंतर पे होगी? देखो सोचा नहीं था लेकिन आने वाली इस टाइम में हम अंदर ही बैठेंगे, अभी तो अभी हम सड़क पे बैठे, आने वाले हम वहीं पे बैठेंगे क्योंकि आज 50% हम अपना हक लेकर आवांगे संसद के अंदर। नहीं अपने MLA बन के जाओगे, वैसे थोड़ी जाएंगे, MLA बन के वहीं पे पहुंचाएंगे और वहीं पे कुर्सी पे बैठेंगे। कमाल की बात तो ये है कि कृषि का सारा काम महिलाएं करती हैं, पशुपालन का, दूध का करती हैं, लेकिन उनको किसान के रूप में आज तक मान्यता नहीं मिली है। किसी भी महिला किसान को ना तो कृषि पहचान पत्र मिलता है, ना लोन मिलता है, ना कुछ। तो यहाँ से ये आवाज़ भी उठ रही है कि हमको अब मान्यता चाहिए। हम महिला किसान हैं, इसके लिए हमें मान्यता चाहिए। यस, हमको नहीं, हमको हर काम जो हम करते हैं उसको मान्यता मिलनी चाहिए। हम भैंस को चारा भी दे सकते हैं और हम देश को चलाना भी जानते हैं, तो हमें मान्यता दो, हमारे हुनर को पहचानो। और महिला किसानों का तो बिल्कुल अब समय आ गया है कि उनके लिए तो अब सरकार को बनाना पड़ेगा, कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या किसान, मर्द किसानों ने मानना शुरू किया कि महिला किसान है? वो मानते तो हैं लेकिन जागरूक नहीं थे इस बात के लिए। वो मानते तो थे, जैसे कहते कि घर औरत के बिना नहीं चलता, इससे किसानी भी औरत के बिना नहीं चलती। सो आज जो महिला संसद हो रही है, ये मोदी सरकार को ये सुना रही है कि औरतें गंभीर मुद्दों के बारे में, किसानी के मुद्दों के बारे में बहुत सुचेत है। और जैसे आज का सत्र चला है उसके बीच में जो सेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके बीच में विस्तार से महिलाओं ने उसके एक एक मद के ऊपर चर्चा की है। सो ये दिखाता है कि औरतें समझदार भी है, जागरूक भी है, पढ़ी लिखी भी है। और मोदी ने जो एक फैला रखा था कि किसानों को पता नहीं क्या है, भरमाया गया है तो असल में मोदी को कॉरपोरेट वर्ल्ड ने भरमाया है। किसानों को तो पता है, बात ये हुई है कि जो किसानों को पहले बहुत देर बाद पता चलता था जब 5-10 साल बीत जाते थे, अभी कानून जब लागू हुआ, जब उन्हें लेकर आए, तभी किसानों ने चर्चा करके ये पता कर लिया कि ये तो हमारे हक में नहीं है। सो उसको ये लग रहा है कि ये तो पहले ही समझ गए हैं। सो ये मोदी को समझ नहीं आ रही है क्योंकि ये कॉरपोरेट के वर्ड में है, फार्मर्स के रिफॉर्म्स के लिए नहीं है। ये बताइए कि यूपी में तो योगी जी की सरकार है, वो तो बोल रहे हैं किसान बहुत खुश हैं, बहुत पैसे दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ यूपी के किसान खड़े हैं और जैसा कि देखा जा रहा है कि लागत कृषि में बढ़ती जा रही है। डाई जो है वो 400 रुपये पहले मिला करती थी, अब 1400 रुपये हो गए, सीधे 1000 रुपये बढ़ गए हैं, ऐसे ही खाद पर भी रेट बढ़े हैं, हर चीज़ पर रेट बढ़े हैं और किसानों को न्यूनतम मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। तो किसान योगी सरकार आंदोलन करने वालों पर काफ़ी कड़ाई बरत रही है, आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता है, अभी हमने देखा है हमारे स्वागत के लिए जो है मोदी जी ने कितनी फोर्स, RPF और टैंकर्स कितने सारे सब हमने देखा है और हम आए हैं उन सब के बीच से निकल के आए हैं। बहुत रोका भी गया है बीच बीच में, पुलिस ने हमें अंदर नहीं जाने दिया है, पर हम फिर भी आए हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर वही भारतीय खून है जिन्होंने हमारा देश आज़ाद कराया था। महिला किसान संसद ने आज बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए, यहाँ पर खुलकर बोला कि देश की संसद को भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो बिल है वह पारित करना चाहिए। महिला किसान संसद ने आज यह बिल सर्वसम्मति से पारित किया। साथ ही साथ यहाँ पे देश के अनेक हिस्सों से जो महिलाएं आई हैं उन्होंने यह दावेदारी की कि महिलाओं की शिरकत राजनीति में बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़नी चाहिए, सिर्फ महिला किसान के तौर ही पर नहीं, भारतीय नागरिक के तौर पर वह भारतीय राजनीति में अपनी बढ़ी हुई दावेदारी को दावा ठोक रही है। महिला किसान संसद अपने आप में एक यूनिक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज अभी तक हम महिलाओं को अगर आज की संसद में देखें तो 81 महिलाएं हैं, जबकि 50% अगर पॉपुलेशन महिलाओं की है तो बराबर कम से कम 250-240 महिलाएं होनी ही चाहिए। लेकिन आज ये महिला संसद यहाँ पर साबित करने के लिए है कि जो काले कानून तुम हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से संसद में बैठकर बनाते हो, हम उनका विरोध करने के लिए सड़क पर भी उतर सकते हैं और तुम्हारे पैरेलल बराबर कानून बनाकर
देश भी चला सकते हैं और संसद भी चला सकते हैं, क्योंकि आज किसान की बेटी सड़क पर बैठी है, वो संसद में कुर्सी पे जो कुर्सी पे बिठाया दिया आज वो कुर्सी पे उठा भी सका है, और मामू ने कुर्सी पे तो उठाकर उनकी कुर्सी पे माम बैठाएंगे क्योंकि किसान की बेटी, क्योंकि आज किसान कौम इतनी तंग आ चुकी है, जो MLA MP बैठे उनकी वजह से हम अपनी कुर्सियों पे बैठकर अपना दम दिखाएंगे। यहां महिला सांसद चली है, किसान महिला सांसद चली है, तो मेरा ये कहना है कि जैसे यहां पर आज देखा जा रहा है कि महिलाओं को सांसद चलाने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे ही सांसद में भी मिलना चाहिए, पार्लियामेंट हाउस में भी जो है महिलाओं की भागीदारी बड़ी होनी चाहिए। जैसे महिलाएं घर चलाती हैं, सुचारू रूप से घर चलाती हैं, ना कि आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर में ही नहीं है, हर फील्ड में महिलाएं हैं, तो महिलाएं घर ही सुचारू रूप से नहीं, पूरा देश भी सुचारू रूप से चला सकती हैं। ये ऐलान हो रहा है, बिल्कुल ये ऐलान हो रहा है। और मेरा एक और मेरा जो एक प्रस्ताव रहेगा वो ये रहेगा कि मेरे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, तो मेरा ये प्रस्ताव रहेगा कि जैसे देखा जाता है किसानों पर आंदोलनकारी, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम जो हमें बात पसंद नहीं आती है, जो कानून पसंद नहीं आते, हर जुर्म के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारा संविधान हमें अधिकार दे रहा है, पर उसके बावजूद सांसद नेता मतलब ये लोग ही हम लोगों पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी मवाली, आज वर्ड सुनने को मिला है हम लोगों को, तो ऐसे लोगों को जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो हमारी वजह से वहाँ बैठे हैं और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये प्रस्ताव रहेगा जी। अभी खाने की छुट्टी हुई है महिला संसद में एक घंटे की, तो हमने कुछ महिला सांसदों को पकड़ा है यहाँ पर, महिला किसान सांसदों को, और आप अपना नाम और कहाँ से आई हैं ये बताएं। मेरा नाम कृपा वर्मा है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आई हूँ, बनारस से आई हूँ, और वहाँ पर मैं कृषि विज्ञान संस्थान BHU में काम की हूँ, रिटायर हूँ, और अभी मैं किसानी का काम देख रही हूँ, और जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे पूरी शिद्दत के साथ उस आंदोलन को तेज कर रही हूँ, संगठन बना रही हूँ, महिलाओं को इस किसान आंदोलन में जोड़ रही हूँ। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई? मेरा नाम प्रकाश देवी है, मैं दिल्ली से हूँ, और ये मूवमेंट जब से छिड़ा हुआ है मैं तब से सिंघू बॉर्डर पर रहती हूँ, वहीं पर किसानों के बीच में हूँ, और हमने ये प्रण लिया है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम घर नहीं आएंगे, अगर वो वापस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम घर नहीं आएंगे, हम वापस करा के ही आएंगे काले कानून। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या संगठन है आपका? मेरा नाम नीतू खन्ना है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं शालीमार बाग इलाके में रहती हूँ, जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है मैं किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हूँ, और अपने इलाके में मैंने किसान एकजुटता समिति करके एक समिति बनाई है, और उस समिति के माध्यम से अपने इलाके से हम जाते हैं किसान आंदोलन के, सिंघू बॉर्डर पर मैं ज़्यादातर जाती रहती हूँ। मेरा नाम गुरजीत कौर है जी, गुरजीत कौर टाट, मैं पंजाब से होशियारपुर से आई हूँ, मैं शहीद भगत सिंह की छोटी बहन बीबी प्रकाश कौर की बेटी हूँ, तो मैं तो शुरू से यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से यही हूँ, और थोड़े दिन घर जाके फिर वापस आ जाते हैं। महिला किसान संसद का क्या इम्पोर्टेंस लगता है आपको? ये तो एक ट्रेनिंग है लेडीज को, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और एक जगह है जो जहाँ पर आकर ये दिखा सकते हैं कि लेडीज को भी सब कुछ पता है, ये जो कानून में गलती है गलत है वो लेडीज भी जानती हैं, और लेडीज सारे कानून को एक्सप्लेन करती हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट इन्होंने उसमें अमेंडमेंट की है, तो उसके बारे में सभी लेडीज जानती हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं चाहे गांव से हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो अच्छा, ट्रेनिंग है ये, ये ट्रेनिंग है, और एक एक मोदी जी को एक दिखावा भी है कि हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक आप कानून वापस नहीं करेंगे तो लेडीज भी तो आप मुकाबले में खड़ी हैं। एक चीज़ आप तीनों लोगों से, महिला संसद की जरूरत क्या पड़ी, महिला किसान संसद करने से क्या फायदा है? हाँ, ये फायदा है, ये फायदा है कि महिलाएं तो पूरे कृषि की शुरुआत महिलाओं ने ही करी है आदिम समाज में, और आज भी खेती का काम ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं, तो ये उनके श्रम को उनके लड़ाई को मान्यता देने का एक उनके लिए एक दिन रखा जाना जरूरी था, हम लोगों ने मांग किया, तो इसकी बहुत बड़ी ये हमारी उपलब्धि है कि एक दिन हमारे लिए रखा गया है।
अगर ये तीनों कार्यक्रम पास होते हैं तो इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा महिलाओं को भी सहना पड़ेगा, महिलाएं भी किसान हैं, तो इसलिए महिलाएं भी अपनी आवाज़ों को उठाएं, इसलिए ये सांसद को रखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय जुड़ रही हैं युवा पत्रकार, किसान समर्थक नवकिरण नट, जो लंबे समय से टीकरी पर अपना मोर्चा लगाए हुए हैं। नवकिरण, किसान संसद का महत्व क्या है? मुझे कई मायनों से इसका महत्व लगता है, क्योंकि एक तो ये है कि देखिए, जब भी हम अपने चुने हुए नुमाइंदे भेजते हैं संसद में, तो हम इस उम्मीद से भेजते हैं कि वो हमारी बात आगे सरकार तक रखेंगे, है ना। और जब मुझे लगता है कि सरकार चुने हुए सांसद उस चीज़ में फेल होते हैं, तो लोगों के लिए मजबूरी बन गया कि खुद सड़कों पे आएं और खुद अपनी सांसद लगाएं और अपनी बात रखें। और दूसरी तरफ ये भी है कि 8 महीने आज हो गए हैं इस पूरी मूवमेंट को, और हमारे समाज की, स्टेट की आज तक जो त्रासदी रही है कि इतनी बड़ी गिनती में महिलाओं की शमूलियत होने के बावजूद खेती में उनकी लेबर को कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, और आज पूरी की पूरी एक संसद, जहां दूसरी तरफ हम मेन संसद में 33% हिस्से के लिए भी अभी तक लड़ रहे हैं, वहां बाहर सड़क पे जो लोगों की संसद चल रही है, जन संसद चल रही है, वो पूरी की पूरी संसद महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है। तो मेरा ख्याल, मैं इसको एक वुमेन लेबर को जो रिकॉग्नाइज करने का एक कदम है उसके तौर पर भी देखती हूँ। हर्षनी जी, ये बताएं कि 26 तारीख से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, 26 नवम्बर से, आज जब हम बात कर रहे हैं 26 जुलाई है, तब से लेकर अभी तक हुआ तो कुछ नहीं, सरकार हिली तो नहीं? ये मैं नहीं मानता कि हुआ कुछ नहीं, सरकार हिली है और अभी सरकार और हिलेगी। अगर ये आंदोलन न चल रहा होता तो एक जो भय का माहौल होता इस देश में, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इस किसान आंदोलन ने बहुत से लोगों को मुंह खोलने का, बोलने का, अपनी बात को रखने का, और इवन मीडिया के एक हिस्से को बहुत ताकत दी है कि वो सच्चाई को लोगों के सामने लाए। और ये सरकार सच्चाई से डरती है, ये सरकार सच्चाई से ही हटाई जाएगी। इसलिए मैं नहीं मानती कि सरकार हिली नहीं है, सरकार हिली है, लेकिन वो अपने ज़िद पर अड़ी है। क्यों? क्योंकि जैसे कि द्रोणाचार्य ने नमक खाया था कौरवों का, इसी तरह से इन्होंने नमक खाया है अंबानी और अदानी का, और उन्हीं के हित में ये कानून बनाए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पीछे हटें, या तो जनता इनको पकड़ेगी और या अंबानी और अदानी उनको नहीं छोड़ेंगे। और बल्कि वो आप मतलब एकदम जो रूरल इंडिया से आई हुई महिलाएं हैं, उनकी बात से ये बाखूबी झलक भी रहा था, जब महिलाएं बोल रही थी कि यार हम रसोई चलाना भी जानती थी, हम घर चलाना भी जानती थी, अब हम देश चलाना भी। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हम देश चलाएंगे। एकदम एकदम वो जो कॉन्फिडेंस है एक शायद मतलब गाँव में रहने वाली अनपढ़ महिला के अंदर, मेरा ख्याल वो एक बड़ी अचीवमेंट है इस संसद की। ये मैसेज क्या दूर तक पहुंच पाएगा? उम्मीद तो यही है, मुझे लगता है जितना इस मूवमेंट ने अभी तक खबरें बनाई है, देश दुनिया तक ये मूवमेंट पहुंची है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी जो एक मैसेज है लोगों की खुद की संसद चलाने का, ये भी आगे तक जाएगा। और मतलब मे बी सरकार को इससे शायद फ़र्क ना पड़े, बट ऑल्दो जो जिस तरीके के इंतजाम सरकार ने किए हुए हैं रास्ते में, जिस तरीके से हम लोगों को आप लोगों का स्वागत किया गया, हमें लाया गया, हमारा स्वागत किया गया, वो भव्य था काफ़ी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन के सांसद नहीं बल्कि हम प्राइम मिनिस्टर के काफिले में जा रहे हैं। मतलब इतना आम जनता से ये सरकारें डरती हैं, तो वो चीज़ देखने लायक थी। तो इस तरीके से पता चलता है कि सरकार पे उसका एक दबाव तो है, बेशक सरकार माने नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि इस आंदोलन का और इस संसद का मैसेज जो है वो दूर दूर तक लोगों तक जाएगा। जी शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से जो हमारे साथी हैं, 7 महीना से परे हैं, उनको हम साथ देने आए हैं सब लोगों को। अच्छा, कितने लोग आए हैं? आए हैं हम 60 लोग। 60 लोग? हाँ। अच्छा, तो कब पहुँचे आप लोग दिल्ली? हम लोग परसों चले रहे, कल पहुँचे। क्या लगता है कि मोदी सरकार या योगी सरकार सुनेगी आपके यहाँ? तो योगी सरकार है, मोदी के हम तो कहते हटा दो मोदी, जब गोरु छुट्टा है, हम गोरु जब फसल बो तो वो खाए जाते, लड़का बिटिया भूखन मरे जाए रहे, और तो मोदी हटाए जाए, और कितना ये अपनो वापस ले जौनी लागू करे हैं या अपनी सरकार वापस लें। 8 महीनों से देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। आज जंतर मंतर पे जिस तरह से महिला किसान संसद की गई, जिस तरह से देश भर के
कोने कोने से आई महिलाओं ने, महिला किसानों ने अपनी बात रखी, कानून की एक एक बारीकी को सामने रखा और साथ ही साथ यह भी रखा कि वे देश की राजनीति चलाना जानती हैं। उन्होंने कहा कि वह मोदी सरकार जिस तरह की अवहेलना कर रही है उसमें देश की संसद में बैठना चाहेंगी, देश की विधानसभाओं में बैठना चाहेंगी, ताकि वह खुद अपने लिए अच्छे कानून बना सकें और देश को कायदे से चला पाएं। इस तरह की चुनौती मोदी सरकार को इतने सालों में सीधे सीधे जंतर मंतर से इतने संगठित ढंग से शायद ही मिली हो। We'll be right back.